उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये मामला है, जहां पुराने दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर ड्यूटी पर जा रही युवती को एक स्नेचर ने निशाना बनाते हुए मोबाइल छीन लिया और युवती को ट्रक के आगे धक्का दे दिया। लेकिन गनीमत रही कि युवती ट्रक के नीचे नहीं आई। वहीं युवती की हिम्मत जी हाँ युवती ने हिम्मत दिखाते हुए मोबाइल छीन कर भाग रहे युवक को भी दबोच लिया और फिर उसके जमकर धुनाई कर दी। उसके बाद 400 मीटर की दूरी पर पुलिस थाने तक आरोपी युवक को खींचकर भी ले गई। कहाँ काम करते हो आप? नारायण न्यूज की। मैं अपने छोटे वाले से बोल रही थी कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, वो बाइक से चली गई अपने भाई के साथ, मैं ऑटो से जा रही हूँ। जैसे मैं गंद के रास्ते से निकली ना, ये लड़का मेरे पीछे से आया, मेरा फोन छीन कर मुझे ट्रक के नीचे धक्का देकर और एक साथ भाग गया। मैं ट्रक से बच कर उसने रोक लिया। मैं बचकर चिल्लाने लगी कि फोन लेगा। आगे कुछ लोग पीछे बने, फिर उधर से जाकर पकड़ा, वहाँ से पकड़ने के बाद वापस पकड़ के ले गया। मैंने अपने फोन को कॉल करी तो फोन वैसे जा रहा था, मेरी छोटी वाली की कॉल चल रही थी। धनपुर चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है, काफी पुलिस नाम के लिए खड़ी है, कोई किसी की देखभाल नहीं कर रहा।